हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज 10.3 है प्लस टू की एनसीईआरटी की बुक में से, वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर का नाम है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.3 में। इसका क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर क्या होता है? ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए ऑन बी क्या होता है? अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी का मॉड। अब सर देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए, जब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमने डॉट प्रोडक्ट लिख दिया। अब ऑन बी किसके ऊपर है? बी के ऊपर है। लास्ट में क्या है? बी। तो बी का मॉड लिखेंगे। अगर पेपर में आया जाता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो हम क्या करते? अगर बी पहले आ जाता, ऑन ए बाद में आ जाता, तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो यही लिखते, ठीक है, और नीचे हम बी ए वेक्टर का मोड लिखते, ठीक है, क्योंकि ऑन ए उसने बोल दिया था तो ए का मोड करते। यहां पर ऑन बी बोला है तो बी का करेंगे, मीन सेकेंड वाले का करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन जो थर्ड है वो देखते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये वाला वेक्टर हम ए मान लेते हैं, ऑन ये वाला वेक्टर हम बी मान लेते हैं। तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऑन बी बोला है तो बी का मॉड। तो जल्दी से करते हैं ए डॉट बी। तो आपको पता ही है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। आई को आई के साथ करेंगे, ये बन जाएगा, माइनस जे को जे के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा, आई वेक्टर आई वन होता है, माइनस जे वेक्टर जे वन होता है, वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा जीरो आ जाएगा। अब मॉड निकालेंगे बी वेक्टर का, तो आई के साथ वन है, जे के साथ वन है, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, तो अंडर रूट टू इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आएगा बी का मॉड। अब हम निकालनी है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मैंने अभी आपको बताया है, हम पुट वैल्यू कर देंगे ए डॉट बी और इसकी बी का मॉड की इक्वेशन वन में से, वन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है, अंडर रूट टू है इसका, जीरो अपॉन कुछ भी हो तो इसका आंसर जीरो आएगा। तो ये हमारी प्रोजेक्शन जो है इसका जीरो आंसर जो है वो आ गया है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और इसकी जो पीडीएफ है जेके स्मार्ट क्लासेस और psbtpaper.com पे आपको मिल जाएगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।